मैं जमील अहमद, फार्मर द जर्नलिस्ट, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। आज हम ज्वार के बारे में कुछ जानकारी देंगे। अब ज्वार बुआई शुरू हो गई है और शुरू होने वाली भी है, तो उसकी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। ज्वार से कितना फायदा है और किसान भाई इसकी खेती क्यों करे। ये बाजरा है, अभी खेत से तोड़ा है हमने, अभी इसमें दाने नहीं पड़े हैं, अभी बाजरे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जी साथियों, ये ज्वार की खेती जो है, ये सिंचित गैर सिंचित दोनों जगह इसकी खेती की जा सकती है, इससे अच्छी अर्निंग भी ली जा सकती है। तो इसमें बताने वाली बात यह है कि इसमें जो है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ तो 20 मार्च से लेकर के 1 जुलाई तक जो है आदमी इसकी बुआई कर सकता है, और जहाँ पर बगैर सिंचित वाला है उसमें आदमी पूरी तैयारी कर ले, जैसे पहली बारिश हो मौका निकाल के तुरंत ही जो है बुआई कर दे। और कई बार इसमें कटाई वाले चारे के पर्पज से जो आदमी किसान करते हैं वो बुआई के लिए चारे वाली जो है बुआई के लिए जो है अप्रैल के पहले पखवाड़े में कर दें। और रही बात अब पैदावार की, तो पैदावार जो है चारे के जो है 1 एकड़ में 200 से करीब 225 क्विंटल तक चारा हो जाता है। अब आ जाइए इसमें दाने पर। दाना जो है 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ में इसकी पैदाइश होगी। तो हरियाणा हरियाणा वगैरह में तो चरी जो है 171 HC, ये मध्यम ऊंचाई वाली और मीठी तथा चौड़ी पत्ती वाली किस्में होती हैं। अच्छा, बीज का चयन जो है अपने क्षेत्र के हिसाब से करें। जैसे बीज की प्रजाति जो है MP चरी है, राजस्थान में तो इसका जो है रेट 3000 से लेकर 3200 रुपए है, और सबसे कम इसका जो रेट होता है 2100 से 2200 रुपए है। और रही बात इसका बीज का रेट का, तो 60 से 65 रुपए प्रति किलो इसका बीज भी मिल जाता है। और सरकारी रेट माने तो 2023 में लगभग 3225 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था, और अब हो गया है, और उसमें 2023 में 2990 था, फिर हाल इसका जो है 3225 रुपए का रेट था। और रेट वाला मंडी के घटता बढ़ता रहता है, इसकी कोई खास गारंटी नहीं है, फिर भी जो है 2023 में इसका 2990 था, अब बढ़ के 3225 हुआ था। तो साथी ये थी बाजरे की। तो ये अब खेत की तैयारी कैसे करें, और खेत की तैयारी के मतलब ये है कि पहले गहरी जुताई करें, तावा वाले ट्रैक्टर से भी गहरी जुताई कर दें, और उसके बाद नमी भरपूर होनी चाहिए। जैसे मान लो बारिश में बोते फिर तो जो है नमी रहबे करेगी, इसे सिंचाई करके जब इसे बोना, जैसे गर्मी के महीने में बोना है तो पहले पलेवाली मतलब खूब गहरी जुताई करके पलेवा करके और मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसको मिट्टी को खूब बारीक होना चाहिए, और लाइन द्वारा अगर इसकी बिजाई करें तो बहुत अच्छा होगा। बगैर लाइन के भी बोया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही गुणकारी इसका आटा भी बहुत अच्छा होता है, इसका आटा लाल होता है। और अभी इसे ये मान के चलिए कि जहाँ तक न्यूट्रिशन से बात करने का पता चला है, 100 ग्राम ज्वार में 11 ग्राम प्रोटीन होता है, जो शरीर को एनर्जी तो देता ही देता है और टिश्यू को भी रिपेयर करने में मदद करता है। और 1 कप ज्वार में ये मान के चलिए कि 8.45 मिलीग्राम आयरन भी होता है, तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी काफी बढ़िया है। और ये विलुप्त होते जा रहे जो प्रजाति है हम लोगों के यहाँ, जो पहले हमारे यहाँ खूब बोया जाता था, पुरखे इसको बहुत यूज करते थे, उपयोग करते थे, तो ये आप ये मान के चलिए बगैर सिंचाई के ये तैयार हो जाएगा, और बाजार में रेट भी अच्छा है, अच्छा मिल जाता है। तो जहाँ पर सिंचाई का साधन ना हो, किसान भाई कोशिश करे कि बाजरे उसके ज्वार की खेती लेने, बाजरा भी हो सकता है। तो अगला वीडियो हम बाजरे पे बनाएंगे, अभी सिर्फ ज्वार की बात कर रहे हैं हम। तो साथियों ये हमारी जो जानकारी थी वो मैंने आपको साझा किया, अगर आपको ये पसंद हो तो भाई इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।